नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 39 ड्रग्स फॉर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। अस्थमा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एलर्जिक राइनाइटिस कॉमनली इनकाउंटर्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। हर ये कंडीशन जो है एसोसिएटेड होती है ट्रबलसम कफ के साथ जो कि सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है। अस्थमा जो है ये क्रोनिक डिजीज है जो कैरेक्टराइज होती है हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवे जो अफेक्ट करता है 235 मिलियन पेशेंट्स को सारी दुनिया में। ये डिसऑर्डर जो है अंडर डायग्नोस है और अनट्रीटेड रहता है और क्रिएट करता है सब्सटेंशियल बर्डन टू द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज जिसके नतीजे में मिलियन ऑफ इमरजेंसी रूम विजिट होते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज करंटली फोर्थ लीडिंग कॉज होता है डेथ का वर्ल्ड में और ये प्रेडिक्ट हुआ है कि टू बिकम द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बाय 2030। एलर्जिक राइनाइटिस ये भी कॉमन क्रोनिक डिजीज है और ये कैरेक्टराइज होती है इची और वॉटरी आइज रनी नोज नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड दैट कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर ये रेस्पिरेटरी कंडीशन जो है मैनेज की जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ और मेडिकेशन। ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द रेस्पिरेटरी कंडीशन वो डिलीवर कर सकते हैं हम टॉपिकली नेजल म्यूकोजा से या फिर इनहेल कर सकते हैं लंग्स के अंदर या फिर हम उनको ओरली दे सकते हैं या पैरेंटरली सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन के लिए। लोकल डिलीवरी मेथड जैसे कि नेजल स्प्रे या इनहेलर्स प्रेफर किए जाते हैं टू टारगेट द अफेक्टेड टिश्यू वाइल मिनिमाइजिंग द सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट। मेडिकेशन जो हम ट्रीट कर यूज़ करते हैं टू ट्रीट द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो 39.1 में समराइज्ड है। यह है वो समरी ड्रग्स की जो अफेक्ट करती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। सबसे पहले देखते हैं प्रेफर्ड ड्रग्स जो कि हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट अस्थमा। देखिए अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है एयरवे की जो कैरेक्टराइज होती है एपिसोड अक्यूट ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन का जो कॉज कराता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कफ चेस्ट टाइटनेस वीजिंग एंड रैपिड रेस्पिरेशन। पैथोफिजियोलॉजी अस्थमा की देखें तो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन अस्थमा में होता है ड्यू टू द ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन जो रिजल्ट करता है फ्रॉम कॉन्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाइल स्मूथ मसल इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइल वॉल की और इंक्रीज सिक्रेशन म्यूकस की। इस फिगर में देखिए इसमें कंपैरिजन है ब्रोंकाई का ऑफ द नॉर्मल एंड द एस्थमेटिक इंडिविजुअल। देखिए नॉर्मल में मसल और ब्रोंकाई जो है रिलैक्स है अलो कर रहे हैं इजी एयर फ्लो नॉर्मल ब्रोंकाइल ट्यूब और जबकि इन्फ्लेम में ना मसल और ब्रोंकाई टाइट हो गए हैं थिक हो गए हैं ब्रोंकाई इन्फ्लेम है फिल हो गए म्यूकस से जो इम्पीड कर रहा है एयर फ्लो को। अंडरलाइन इन्फ्लामेशन जो एयरवेज की कॉन्ट्रीब्यूट करती है बाय एक्सपोजर टू एलर्जेंस एक्सरसाइज से स्ट्रेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अनलाइक द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस और ब्रोंकाइटिस अस्थमा यूजुअली कम कर दें इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी अस्थमा के सिम्टम की प्रिवेंट करें फ्यूचर एग्जर्बरेशंस और मिनिमाइज कर दें लिमिटेशंस को इन एक्टिविटी रिलेटेड टू अस्थमा सिम्टम। फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी बेस्ड है और उसमें रिजल्ट ऑफ पीक फ्लो या स्पायरोमीटर नियर नॉर्मल होती है। उसमें लॉन्ग टर्म कंट्रोल में कोई भी मेडिकेशन नहीं है जबकि उसमें क्विक रिलीफ सिम्टम्स के लिए शॉर्ट एक्टिंग हम बीटा टू देते हैं। इन सब में हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू देते हैं लेकिन एक होती है माइल्ड इंटरमीडिएट माइल्ड परसिस्टेंट मॉडरेट परसिस्टेंट और सिवियर परसिस्टेंट। तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के एपिसोड डिफरेंट है इसमें लेस देन टू वीक होता है माइल्ड परसिस्टेंट में मोर देन टू डेज पर वीक इसमें लेस देन टू डेज पर वीक और इसमें मोर देन टू डेज पर वीक नॉट डेली और ये मॉडरेट वाला डेली होता है और सिवियर वाला कंटिन्यूअल होता है और इनमें नॉर्मल आती है स्पायरोमेट्री का फ्लो या स्पायरोमेट्री और 60-80% और इसमें लेस देन 60% या नॉर्मल। लॉन्ग टर्म कंट्रोल इसमें कोई भी मेडिकेशन नहीं है इसमें लो डोज ICS का इसमें लो डोज ICS प्लस लाबा या मीडियम डोज ICS और उसमें मीडियम डोज ICS प्लस लाबा या हाई डोज ICS प्लस लाबा और बाकी सब में शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू। नेक्स्ट बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देखते हैं। इनहेल्ड बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ना डायरेक्टली रिलैक्स कर देते हैं हमारे एयरवे के स्मूथ मसल को। ये हम यूज़ करते हैं ताकि क्विक रिलीफ आए अस्थमा के सिम्टम का एज वेल एज एडजंक्टिव थेरेपी लॉन्ग टर्म कंट्रोल डिजीज़ के लिए। नंबर वन है क्विक रिलीफ। शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा टू है सबाज उनको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 5 से 30 मिनट का और ये प्रोवाइड करती है रिलीफ 4 से 6 घंटों के लिए। ये यूज़ करते हैं हम सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ऑफ द ब्रोंकोस्पाज्म और ये प्रोवाइड करती हैं क्विक रिलीफ अक्यूट ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन का। सारे पेशेंट जो अस्थमा के हैं वो रिसीव करने चाहिए सबा इनहेलर फॉर
देयर फॉर यूज एज नीडेड। बीटा टू एगोनिस्ट को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं होते और ये हम नहीं यूज़ करेंगे एज अ मोनोथेरेपी फॉर द पेशेंट विद परसिस्टेंट अस्थमा। परसिस्टेंट वालों में नहीं करेंगे, एज अ मोनोथेरेपी नहीं करेंगे। हाउएवर मोनोथेरेपी सबास की अप्रोप्रिएट है पेशेंट्स के लिए जिनको माइल्ड या फिर इंटरमीडिएट अस्थमा हो या फिर जिनको एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज़म होता हो। डायरेक्ट एक्टिंग बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट में एल्बिट्रोल, लिवाबिल्ट्रोल, लिवाबिट्रोल ये आती हैं। ये एजेंट ना प्रोवाइड करती है सिग्निफिकेंट ब्रोंको डायलेशन और विथ लिटिल ऑफ द अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं ऑफ अ बीटा टू बीटा वन स्टिमुलेशन। बीटा वन पे मतलब लिटिल होते हैं अनडिजायर्ड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट जैसे कि टैकीकार्डिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशिया और बीटा टू मीडिएटेड स्केलेटल मसल ट्रेमर जो हैं वो मिनिमाइज होते हैं विथ इनहेल्ड डिलीवरी वर्सेस सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब लॉन्ग टर्म कंट्रोल पे आए तो सेलमेट्रोल, फॉर्मोट्रियोल ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं, लाबास इनको कहते हैं। ये केमिकल एनालॉग एल्बिट्रियोल के होते हैं। सेलमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल जो है ना इनको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और ये प्रोवाइड करती हैं ब्रोंको डायलेशन एटलीस्ट 12 घंटों के लिए। लाबा का यूज़ एज अ मोनोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया और लाबास जो है वो हम सिर्फ कॉम्बिनेशन में देंगे इन अस्थमा कंट्रोलर मेडिकेशन के साथ जैसे कि कोई इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ICS ना लॉन्ग टर्म कंट्रोलर है ऑफ चॉइस इन द अस्थमा एंड लाबास जो है ये कंसिडर हुए हैं यूजफुल एडजंक्टिव थेरेपी फॉर अटेनिंग कंट्रोल इन मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा में। कुछ लाबास अवेलेबल हैं एज अ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट विथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वापस बड़े टेबल में देखें आल्दो बोथ लाबास यूजुअली हम यूज़ करते हैं स्केड्यूल बेसिस पे ताकि हम अस्थमा को कंट्रोल करें। एडल्ट और एडोलेसेंट जिनको मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा होता है वो यूज़ कर सकते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर्मोट्रियोल कॉम्बिनेशन ताकि अक्यूट सिम्टम्स को उनका रिलीफ मिले। एडवर्स इफेक्ट लाबास का सिमिलर होता है क्विक एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट की तरह। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देखें तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस होती है लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए इन द पेशेंट विथ परसिस्टेंट अस्थमा जैसा कि हमने इस टेबल में देखा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चैप्टर 26 में देखें इनहिबिट कर देती है रिलीज एरेकिडोनिक एसिड का थ्रू इनहिबिशन फॉस्फोलाइपेज A2 की कर देती है तो इसलिए प्रोड्यूस करती है डायरेक्ट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इन द एयरवे। इस फिगर में देखिए इसमें साइट ऑफ एक्शन है फॉर वेरियस रेस्पिरेटरी मेडिकेशंस। देखिए ये एरेकिडोनिक एसिड है उसमें से फिर ये लिकोट्राइन बनते हैं फिर ये लिकोट्राइन जाता है अंदर फिर इंपैक्ट करता है भाई सारा पाथवे मेंशन है आप गौर से देखें। टू बी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लामेशन ये एजेंट जो है ना मस्ट बी यूज रेगुलरली ये याद रखिए। ट्रीटमेंट जो है एक्जेबरेशन का या सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा का रिक्वायर करता है एडिशन शॉर्ट कोर्स की ऑफ द ओरल या IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एक्शन ऑन द लंग देखें तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना थेरेपी डायरेक्टली टारगेट करती है अंडरलाइंग एयरवे की इन्फ्लामेशन को और कम कर देती है इन्फ्लामेटरी कैस्केड को यानी यूजिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स को रिवर्स कर देती है म्यूकोजल एडिमा को डिक्रीज कर देती है परमिएबिलिटी कैपिलरीज की और इनहिबिट कर देती है रिलीज ल्यूकोट्रायंस का। सेवरल महीने के रेगुलर यूज़ के बाद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम कर देते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एयरवे के स्मूथ मसल की टू अ वैरायटी ऑफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर स्टिमुलाई जैसे कि किसी एलर्जिन या इरिटेंट या कोल्ड एयर और एक्सरसाइज से। नंबर टू अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले इन्हेलेशन डेवलपमेंट इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मार्कली कम की गई है कम कर रही है नीड सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट की ताकि अचीव करें कंट्रोल ऑफ द अस्थमा सिम्टम। हाउएवर जैसा कि इनहेल्ड मेडिकेशन से होता है एप्रोप्रिएट इनहेलेशन टेक्निक भी क्रिटिकल होती है ताकि सक्सेस ऑफ थेरेपी मिले। इनहेलर टेक्निक वाला सेक्शन देखें फिर है ओरल सिस्टेमिक। पेशेंट जिनको सीवियर एक्जर्बरेशन अस्थमा की होती है स्टेटस अस्थमेटिक कस्ट को कहते हैं वो रिक्वायर करते हैं IV मिथाइल पेरेडनी सोलोन या फिर उनको ओरल पेरेडनी सोन देखें ताकि उनकी एयरवे की इन्फ्लामेशन को कम किया जाए। मोस्ट केसेस में सप्रेशन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्सेस की नहीं होती ओरल प्रेडनिसोन से बर्स्ट से यानी शॉर्ट कोर्स टिपिकली प्रेस्क्राइब फॉर एस्थमा एक्सेबरेशन। थस अ डोज टेपर जो है वो जरूर अननेसेसरी होता है प्रायर टू डिसकंटिन्यूएशन। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट देखें तो ओरल या पारेंट्रल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को वैरायटी ऑफ पोटेंशियली सीरियस एडवर्स इफेक्ट होते हैं जबकि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड पार्टिकुलरली अगर यूज़ करें स्पेसर के साथ उनको फ्यू सिस्टेमिक इफेक्ट होंगे। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डिपोजिशन ओरल और लेरिंजल म्यूकोजा में ओरोफेरिंजल कैंडिडियासिस करवा सकती है क्योंकि लोकल इम्यून सप्रेशन हुई है और हॉर्सनेस भी हो सकती है। पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू राइंस द माउथ इन अ स्विश एंड स्पिट मेथड विथ वाटर फॉलोइंग यूज ऑफ इनहेलर टू डिक्रीज द चांस ऑफ दिस एडवर्स इवेंट।
क्योंकि पोटेंशियल है सीरियस एडवर्स इफेक्ट का, तो क्रोनिक मेंटेनेंस ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ रिजर्व करनी चाहिए फॉर द पेशेंट हु आर नॉट कंट्रोल्ड ऑन एन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट हम आते हैं अल्टरनेटिव ड्रग जो कि हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एस्थमा। ये ड्रग्स यूजफुल होती है टू ट्रीट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा इन द पेशेंट जो कि पुअरली कंट्रोल होते हैं कन्वेंशनल थेरेपी से या एक्सपीरियंस करते हैं एडवर्स इफेक्ट सेकेंडरी टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट से। तो ये ड्रग जो हम यूज़ करेंगे कंजक्शन के साथ विद द इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी मोस्ट पेशेंट के लिए। सबसे पहले इसमें है ल्यूकोट्राइन के मॉडिफायर, ल्यूकोट्राइन B4 और सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन LTC4 LTD4 एंड LTE4। ये प्रोडक्ट होते हैं 5 लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे का ऑफ द एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड पार्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी कास्केड। तो आप ये फिगर को भी साथ साथ देखते जाएं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए जो 5 लाइपोऑक्सीजिनेज है ये फाउंड होता है सेल्स ऑफ माइलोइड ओरिजिन में, जैसे कि मास्ट सेल्स में, बेसोफिल्स, यूजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में। LTB4 पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट होता है न्यूट्रोफिल्स और यूजिनोफिल्स के लिए, जबकि सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स जो है ना ये कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं हमारे ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल को और बढ़ा देते हैं एंडोथेलियल की परमीबिलिटी और म्यूकस के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। ज़ेल्यूटोन एक सिलेक्टिव स्पेसिफिक इनहिबिटर है 5 लाइपोऑक्सीजिनेज का और ये प्रिवेंट कर देगा फॉर्मेशन दोनों LTB4 की और सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स की। ज़ेफिरलुकास्ट और मोनोल्यूकास्ट ये सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट हैं सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर के और ये ब्लॉक कर देंगे इफेक्ट सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स का। ये एजेंट अप्रूव हुए हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा सिम्टम। ये हम यूज़ नहीं करते सिचुएशंस में जहाँ पे इमीडिएट ब्रोंको डायलेशन रिक्वायर होती है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को शो करते हैं एफिकेसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज़म। फार्माकोकाइनेटिक देखें तो ये एजेंट ओरली एक्टिव हैं और ये हाईली प्रोटीन बाउंड होते हैं। फूड इम्पेयर कर देता है अब्जॉर्प्शन ज़ेफिरलुकास्ट की। ड्रग अंडरगो करती है हेपेटिक एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म। ज़ेल्यूटोन और उसके मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में, जबकि ज़ेफिरलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट और उनके मेटाबोलाइट बिलियरी एक्सक्रीशन करते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखें तो सीरम हेपेटिक एंजाइम्स की एलिवेशन हो सकती है इन ड्रग्स के साथ, जो रिक्वायर करेंगी पीरियोडिक मॉनिटरिंग या डिस्कंटिन्यूशन जब एंजाइम बढ़ जाते हैं 3 से 5 गुना द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। तो बाकी इफेक्ट्स इनमें हेडेक और डिसपेप्सिया होता है। ज़ेफिरलुकास्ट जो है इनहिबिटर है साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम 2C8 2C9 एंड 3A4 का। ज़ेल्यूटोन CYP1A2 को इनहिबिट करती है। तो को एडमिनिस्ट्रेशन विद द ड्रग्स जो सब्सट्रेट होती हैं इन आइसोएंजाइम का वो बढ़ाए देंगी टॉक्सिसिटी को और इफेक्ट्स। नेक्स्ट है क्रोमोलिन। क्रोमोलिन एक प्रोफाइलेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो इनहिबिट करता है मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन को और रिलीज हिस्टामिन का भी इनहिबिट करता है। ये अल्टरनेटिव थेरेपी है माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा के लिए और ये अवेलेबल है एज अ नेबुलाइज्ड सॉल्यूशन। क्योंकि क्रोमोलिन जो है ब्रोंकोडायलेटर नहीं है तो ये यूज़फुल नहीं है इन द मैनेजिंग द अक्यूट अस्थमा अटैक, क्योंकि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो ये एजेंट जो है ना डोजिंग रिक्वायर करता है 3 से 4 बार दिन में, जो अफेक्ट करती है अडेरेंस और लिमिट करती है इसका यूज़। साइड इफेक्ट इसके माइनर हैं जिसमें कफ, इरिटेशन और अनप्लेजेंट टेस्ट आ जाता है। थर्ड है हमारे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट ब्लॉक कर देंगे वैगली मेडिएटेड कॉन्ट्रैक्शन एयरवे स्मूथ मसल की और म्यूकस सिक्रीशन की। इनहेल्ड आइप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग क्वार्टरनरी डेरिवेटिव है एट्रोपिन का। यह रिकमेंड नहीं किया गया रूटीन ट्रीटमेंट में ऑफ द अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म इन द अस्थमा एज इट्स ऑनसेट इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ द इनहेल्ड सबा। हाउएवर ये यूजफुल हो सकता है इन द पेशेंट जो कि अनेबल है टू टॉलरेट द सबा या पेशेंट्स विद द अस्थमा कोपीडी ओवरलैप सिंड्रोम। आइप्राट्रोपियम आल्सो ऑफर करता है एडिशनल बेनिफिट जब हम इसको यूज़ करते हैं एज अ विथ अ सबा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट एस्थमा एग्जिबिशन इन एमरजेंसी ट्रीटमेंट में। टायोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एड ऑन ट्रीटमेंट इन द एडल्ट पेशेंट जिनको सिवियर अस्थमा हो और हिस्ट्री हो एग्जिबिशन की। एडवर्स इफेक्ट जैसे कि ज़ीरोस्ट्रोमिया और बिटर टेस्ट जो है ना ये रिलेटेड है लोकल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के साथ। नेक्स्ट है थियोफाइलिन। ये ब्रोंको डायलेटर है जो कि एयर फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करता है क्रोनिक अस्थमा में, देखें, और ये कम करता है अस्थमा के सिम्टम। ये आल्सो पोजेस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, आल्दो द मैकेनिज्म इसका अनक्लियर है। प्रीवियसली मेन स्टे अस्थमा की थेरेपी का
थियोफाइलिन लार्जली रिप्लेस हो गया B2 एगोनिस्ट के साथ एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ क्योंकि इसका नैरो थेरेप्यूटिक विंडो है एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल और पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन का। ओवरडोज इसका सीजर या पोटेंशियली फैटल एरिथमिया कराएगा। थियोफाइलिन लिवर से मेटाबोलाइज होता है एंड CYP1A2 एंड 3A4 सब्सट्रेट से ये सब्जेक्टेड टू न्यूमरस ड्रग इंटरेक्शन। सीरम कंसेंट्रेशन मॉनिटरिंग परफॉर्म करनी चाहिए जब थियोफाइलिन हम क्रॉनिकली यूज़ करें। फोर्थ पे है हमारा फिफ्थ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ओमेलिजुमाब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि सिलेक्टिवली हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन ई के साथ बाइंड करेगी। ये लीड करता है डिक्रीज बाइंडिंग IgE के अपने रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द मास्ट सेल के साथ एंड बेसोफिल, तो रिडक्शन इन द सरफेस बाउंड IgE लिमिट करेगी रिलीज मेडिएटर का ऑफ द एलर्जिक रिस्पॉन्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मेपोलिजुमाब, बेनरालिजुमाब, रेसिलिजुमाब और इंटरल्यूकिन-5 ये एंटागोनिस्ट होती हैं। इंटरल्यूकिन-5 मेजर साइटोकाइन है जो कि रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होता है, एक्टिवेशन में और सर्वाइवल यूजिनोफिल्स का इन द यूजिनोफिलिक अस्थमा। ये एजेंट्स इंडिकेट किए गए फॉर द ट्रीटमेंट सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा में इन द पेशेंट जो कि पुअरली कंट्रोल होते हैं विद कन्वेंशनल थेरेपी। इनका यूज़ लिमिट किया गया है बाय हाई कॉस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। IV है रेसिलिजुमाब के लिए और सबको रेने से अदर्स के लिए और एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल। एडवर्स इफेक्ट में सीरियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हैं जो कि रेयर हैं, एर्थ्रेलजिया, फीवर, रैश, इंक्रीज रिस्क इन्फेक्शन का, न्यू मैलिग्नेंसीज भी रिपोर्ट हुई हैं। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं ड्रग्स यूज टू ट्रीट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। COPD एक क्रॉनिक इररिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयर फ्लो की जो कि यूजुअली प्रोग्रेसिव होती है और कैरेक्टराइज होती है परसिस्टेंट सिम्टम्स के साथ। इसमें कफ, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी स्लीपिंग और फटीग होती है। ऑल्दो सिम्टम्स सिमिलर अस्थमा की तरह होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो इररिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कॉपी डी में की जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन डिजीज इररिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। स्मोकिंग ग्रेटेस्ट रिस्क होता है फैक्टर COPD का और ये डायरेक्टली लिंक्ड है टू प्रोग्रेसिव डेक्लाइन लंग के फंक्शन का एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड FEV1। स्मोकिंग की सेसेशन जो है रिकमेंड की जाती है रिगार्डलेस ऑफ स्टेज एंड सिवियरिटी COPD का या एज ऑफ द पेशेंट। ड्रग थेरेपी COPD की एम की गई है एट द रिलीफ ऑफ सिम्टम एंड प्रिवेंशन डिजीज की प्रोग्रेशन का। अनफॉर्चुनेटली करेंटली अवेलेबल केयर के साथ मेनी पेशेंट स्टिल एक्सपीरियंस करते हैं डिक्लाइन इन द लंग फंक्शन ओवर टाइम। सबसे पहले हैं ब्रोंकोडायलेटर। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स में beta-2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट हैं और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यानी मस्करिनिक एंटागोनिस्ट देते हैं। ये फाउंडेशन होती हैं थेरेपी COPD की। फिगर में देखिए इसमें पेशेंट ग्रुप है A, B, C, D। ए वाला लो रिस्क होता है, उसके लेस सिम्टम होते हैं, उसमें हम फर्स्ट चॉइस में शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक देते हैं जब ज़रूरी हो या फिर शॉर्ट एक्टिंग beta-2 एगोनिस्ट देंगे जब ज़रूरी हो। अब अल्टरनेटिव चॉइस उसमें लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक भी हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग beta-2 एगोनिस्ट भी हो सकता है या शॉर्ट एक्टिंग beta-2 एंड शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक। फिर ये लो रिस्क लेस सिम्टम था, अब लो रिस्क लेकिन मोर सिम्टम है तो इसमें भी हम लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक देंगे या फिर लॉन्ग एक्टिंग beta-2 एगोनिस्ट। अल्टरनेटिव में लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक और लॉन्ग एक्टिंग beta-2 सेम। अब हाई रिस्क वाले विथ लेस सिम्टम है तो उनमें हम इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं प्लस लॉन्ग एक्टिंग beta-2 देते हैं या फिर हम उनको लॉन्ग एक्टिंग सिर्फ एंटीकोलिनर्जिक देंगे। अल्टरनेटिव चॉइस में हम इन पेशेंट को लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक एंड लॉन्ग एक्टिंग beta-2 एगोनिस्ट या फिर लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक का और फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर का कॉम्बो देंगे और लॉन्ग एक्टिंग beta-2 एगोनिस्ट एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर भी दे सकते हैं। फिर है हाई रिस्क वाले मोर सिम्टम वाले पेशेंट तो इनमें हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ लॉन्ग एक्टिंग beta-2 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं और या फिर लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लॉन्ग एक्टिंग beta-2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन या इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टू beta-2 प्लस फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 का कॉम्बिनेशन या लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक और लॉन्ग एक्टिंग beta-2 का कॉम्बो या लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन। ये सारी गाइडलाइन है फॉर फार्माकोलॉजिक थेरेपी स्टेबल COPD में। तो ये ड्रग्स जो है ना ये बढ़ाती हैं एयर फ्लो, एलिवेट कर देती है सिम्टम को और एग्जिबिशंस को ना कम करती हैं। लॉन्ग एक्टिंग जो ब्रोंकोडायलेटर हैं लाबाज और लॉन्ग एक्टिंग मस्करनिक एंटागोनिज्म लामाज ये प्रेफर होती हैं एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट COPD का सारे पेशेंट के लिए सिवाय वो जो कि लो रिस्क पे होते हैं विथ लेस सिम्टम्स। लाबाज में वंस डेली इंडेक्टिरोल आ जाती है, ओलोडेक्टिरोल और विलेंटिरोल एज वेल एज ट्वाइस डेली इनहेल्ड फार्मूलेशन आती हैं आरफोरमेट्रोल, फॉर्मोटेरोल और सेलमेट्रोल की। ये ट्वाइस डेली फार्मूलेशन है इनहेल्ड, ठीक है।
एक्लिडिनम, टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपायरोलेट और यूमिक्लिडिनम ये लामास हैं, लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट हैं। कॉम्बिनेशन एंटीकोलिनर्जिक का और बीटा टू एगोनिस्ट का हेल्पफुल होता है पेशेंट में जिनको इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स होता है सिंगल इनहेल ब्रोंकोडायलेटर से, और ये रिस्क पे होते हैं ऑफ एग्जेबरेशन उनमें भी। तो वही टेबल जो है कुछ ईजी फॉर्म में अगर हम देखें तो इस तरह से ये याद करने के लिए ईजी होगा एब्रीवेशंस। नेक्स्ट है फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए एक्शन इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर पे इंप्रूव करेगा सिम्टम को, लंग के फंक्शन को और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कोपीडी पेशेंट विद फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड ऑफ लेस देन 60% प्रिडिक्टेड या पेशेंट्स में विद द सिम्टम ऑफ बोथ एस्थमा एंड कोपीडी। हाउएवर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ट्रीटमेंट कोपीडी में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इन पेशेंट को, सिंस यूज इसका एसोसिएटेड है विद इंक्रीज रिस्क निमोनिया का। ऑल्दो ऑफन यूज फॉर एक्यूट एक्जिबरेशन ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम रिकमेंड नहीं करते लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कोपीडी के लिए। फिर है अदर एजेंट रोफ्लोमिलास्ट, ये ओरल फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 का इनिबिटर है जो कि हम देते हैं टू रिड्यूस द एक्जिबरेशन पेशेंट में जिनको सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो। ऑल्दो इसकी एक्टिविटी वेल डिफाइन नहीं हुई कोपीडी में, ये थियोराइज हुआ है कि ये रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को और बढ़ाता है लेवल इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी का लंग के सेल्स में। तो रोफ्लोमिलास्ट ब्रोंकोडायलेटर नहीं है और ये हम इंडिकेट नहीं करते टू रिलीव द अक्यूट ब्रोंकोस्पाज़म। इसका यूज़ लिमिटेड है कॉमन एडवर्स इफेक्ट की वजह से जिसमें वेट लॉस होता है, नोजिया, डायरिया, हेडेक होता है। कोपीडी में यूज़ थियोफाइलिन का लार्जली रिप्लेस हुआ है बाय मोर इफेक्टिव एंड टॉलरेबल लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, तो थियोफाइलिन ने उनको रिप्लेस किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनहेलर टेक्निक। अप्रोप्रिएट इनहेलर टेक्निक डिफर करती हैं बिटवीन द मीटर डोज इनहेलर, एमडीआईज और ड्राई पाउडर इनहेलर्स। प्रॉपर टेक्निक क्रिटिकल होती है टू द सक्सेस ऑफ थेरेपी और इनहेलर टेक्निक जो है असेस करनी चाहिए रेगुलरली। सबसे पहले मीटर डोज इनहेलर एंड ड्राई पाउडर इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर को प्रोपेलेंट होता है जो इजेक्ट करता है एक्टिव मेडिकेशन को कैनिस्टर से। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो एक्सहेल करे बिफोर के वो एक्चुएट करे इनहेलर को और फिर बिगिन करे टू इनहेल स्लोली, जैसे ही प्रेस करे वो कैनिस्टर को और कंटिन्यू करता जाए इनहेलिंग स्लोली एंड डीपली थ्रू आउट द एक्चुएशन। तो ये टेक्निक अवॉइड करती है इंपैक्शन को ऑफ द मेडिकेशन इनटू द लैरिंजियल म्यूकोजा में और फैसिलिटेट करती है ड्रग रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन एंड द ब्रोंकाइल स्मूथ मसल। लार्ज फ्रैक्शन टिपिकली 80% से 90% इनहेल मेडिकेशन है जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या आइदर डिपॉजिटेड हो जाती है माउथ और फेरिंग्स में या स्वेलो हो जाती है। इस फिगर में देखिए इसमें फार्माकोकाइनेटिक है इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, 90% स्वेलो गई तो रिड्यूस बाय स्पेसर या माउथ राइजिंग, फिर 10% डिपॉजिट हुई लंग में, जीआई ट्रैक से वो अब्जॉर्ब हुई गट से और फिर वो फर्स्ट पास इनएक्टिवेशन हुई लिवर में और फिर सिस्टमिक इफेक्ट देगी, और जो 10% हुई डिपॉजिट लंग में फिर लंग से वो जाके डायरेक्ट सिस्टमिक इफेक्ट देगी। रिमेनिंग जो 10% से लेकर 20% डोज है इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो कि स्वेलो नहीं होता वो रीच करेगा साइट ऑफ एक्शन इन द एयरवे। यूज़ एप्रोप्रिएट टेक्निक का इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ कम कर देता है रिस्क सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन का और एडवर्स इफेक्ट। ड्राई पाउडर इनहेलर्स रिक्वायर करते हैं डिफरेंट इनहेलर टेक्निक। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो इनहेल करे क्विकली और डीपली ताकि ऑप्टिमाइज करे ड्रग की डिलीवरी टू द लंग। पेशेंट जो यूज़ करते हैं एनी टाइप ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिवाइस उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो राइंस करे माउथ को आफ्टर द यूज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ओरल कैंडिडियासिस। नेक्स्ट है स्पेसर्स। स्पेसर एक लार्ज वॉल्यूम चैम्बर होता है जो अटैच होता है टू मीटर डोज इनहेलर। चैम्बर जो है ना ये रिड्यूस कर देता है वेलोसिटी एरोसोल की बिफोर के वो माउथ में एंटर करे, अलाउ करती है लार्ज ड्रग पार्टिकल को कि वो डिपॉजिट हो जाए डिवाइस के अंदर। स्मॉलर जो हाई वेलोसिटी वाले ड्रग पार्टिकल होते हैं वो लेस लाइकली होते हैं कि वो डिपॉजिट हो माउथ में और ये मोर लाइकली होते हैं कि वो टारगेट एयरवे टिश्यू में जाएँ। अब ये फिगर देखिए इसमें इफेक्ट है स्पेसर का ऑन द डिलीवरी ऑफ एन इनहेल एरोसोल। ये लार्ज पार्टिकल एरोसोल के डिपॉजिट हो गए चैम्बर में बिफोर के पेशेंट इनहेल करे और इनहेल एरोसोल एनरिच हो गया इन स्मॉल पार्टिकल्स जो कि मोर रेडिली ट्रेवल करेंगे स्मॉल एयरवे से। पेशेंट्स एडवाइस करनी चाहिए कि वो ये वॉश करें या राइंस करें स्पेसर्स को ताकि रिड्यूस किया जाए रिस्क ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ जो कि इंड्यूस करवा सकती है एस्थमा। अब हम आ जाते हैं ड्रग्स यूज टू ट्रीट एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस एक इन्फ्लामेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन की नोज की और ये कैरेक्टराइज होती है स्नीजिंग होती है, इची नोज, आइज, वाटरी राइनोरिया, नेजल कंजेशन और समटाइम इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ भी होती है। अटैक जो है ये प्रेसिपिटेट होता है जब हम इनहेल कर देते हैं किसी एलर्जन को, वो डस्ट भी हो सकती है, पोलन या एनिमल का कोई डेंडर। फॉरेन मटेरियल इंटरेक्ट करेगा हमारे मास्ट सेल जो कोट होते हैं आईजीई के साथ, जनरेट करेगा रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस एलर्जन एक्सपोजर। मास्ट सेल रिलीज करते हैं मेडिएटर जैसे हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, कीमोटैक्टिक फैक्टर जो प्रोमोट करेंगे ब्रोंकियोलर स्पाजम
और म्यूकोजल थिकनिंग फ्रॉम एडिमा एंड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन. एंटीहिस्टामिन और इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिफर्ड थेरेपीज होती है एलर्जिक राइनाइटिस में. सबसे पहले एंटीहिस्टामिन पढ़ें तो ओरल एंटीहिस्टामिन जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जो हमने 37 में देखे चैप्टर में, उनको फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और ये यूजफुल होती है इन द मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम एलर्जिक राइनाइटिस के जो कि हिस्टामिन के रिलीज से होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, वाटरी राइनोरिया और इची आइज नोज. हाउएवर ये मोर इफेक्टिव होती है इन द प्रिवेंशन ऑफ सिम्टम माइल्ड या इंटरमीडिएट डिजीज में रादर देन द ट्रीटमेंट वंस सिम्टम हैज़ बिगन. फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जैसे कि डायफेनहाइड्रामीन और क्लोरोफेनिरामीन ये यूजली प्रेफर नहीं करते क्योंकि इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे इनसे सेडेशन होती है, परफॉर्मेंस की इंपेयरमेंट और बाकी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी हैं. जबकि सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन जैसे कि फैक्सोफेनाडीन, लोराटाडीन, डेसलोराटाडीन, सेटिरिजीन ये जनरली बेटर टॉलरेट होते हैं. ऑप्थाल्मिक और नेजल एंटीहिस्टामिन डिलीवरी डिवाइस जो है ये अवेलेबल है टारगेटेड टॉपिकल टिश्यू डिलीवरी के लिए. एग्जाम्पल टॉपिकल इंट्रानेजल एंटीहिस्टामिन में है ओलोपटाडीन. ओलोपटाडीन ये टॉपिकल इंट्रानेजल है और एजिलेस्टीन. इंट्रानेजल एंटीहिस्टामिन ना इन बढ़ा देती हैं डिलीवरी ड्रग का विथ फ्यू एडवर्स इफेक्ट. कॉम्बिनेशन एंटीहिस्टामिन का डी कंजेस्टेंट के साथ जो हम देखेंगे आगे इफेक्टिव होते हैं जब कंजेशन जो है ना फीचर होती है राइनाइटिस का, या फिर जब पेशेंट को रिस्पॉन्स ना हो या इनकम्प्लीट कंट्रोल हो सिम्टम्स पे विथ इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. अब आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे. इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि बेक्लोमेथासोन, ब्यूटिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, सिक्लिसोनाइड, मोमिटासोन, ट्रायमक्लिनोन, ट्रायमसिनोलोन ये मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन होती है एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए. विद एन ऑनसेट ऑफ एक्शन जो कि 3 से 36 घंटे का होता है आफ्टर द फर्स्ट डोज, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना इंप्रूव करती है स्नीजिंग को, इचिंग, राइनोरिया और नेजल कंजेशन को. सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन इनमें मिनिमल होती है और इनका एडवर्स इफेक्ट जो है ट्रीटमेंट का लोकलाइज रहता है. इसमें नेजल इरिटेशन होती है, नोज ब्लीड, सोर थ्रोट होता है और रेयरली कैंडिडियासिस होती है. ताकि हम मिनिमाइज करें सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन को तो पेशेंट इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि वो अवॉइड करें डीप इनहेलेशन को ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द नोज, क्योंकि ना टारगेट टिश्यू नोज होता है ना कि लंग्स या थ्रोट. तो पेशेंट जिनको क्रोनिक राइनाइटिस है इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं देखी जाती अंटिल 1 to 2 weeks आफ्टर द थेरेपी स्टार्टिंग थेरेपी. इसके अलावा है अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट. शॉर्ट एक्टिंग जो अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं यानी नेजल डी कंजेस्टन जैसे कि फिनाइलएफ्रिन ये डायलेटेड जो आर्टेरियोज होते हैं उनको कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं नेजल म्यूकोजा में और ये एयरवे की